कहाँ है भाई? आ जा यार, बहुत लेट हो रहा है। भाई इस तरह रोज रोज लेट ना करवा कर यार, नहीं तो एक दिन मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मिलता रहे तू बेटा उससे इसी तरह, और वो भी एक नंबर की पागल है जो तेरे बहकावे में आ जाती है। अच्छा चल चार नीचे उतर, उतर नीचे चल, सर निकाल अपनी, निकाल भाई घड़ी। ब्रेसलेट ब्रेसलेट, चश्मा भी तो दे यार। जूते भी तो दे यार। जूते? हाँ भाई दे ना, दे यार। बस और पैंट पैंट भी तो निकाल यार। मैं पागल है, नंगा होकर घर जाऊँ क्या? अच्छा अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ फिर। तेरा मेरा मेल मिले ना तो के फायदा इसी यारी का, तेरा मेरा मेल मिले। वाओ आज फिर नए कपड़े। क्या करूँ जानू, वो मेरी आदत है ना, मैं जो कपड़े एक बार पहन लेता हूँ ना दोबारा उन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाता। आओ चल बैठो, देख क्या रही हो। हाँ तो चलो बताओ आज तुम क्या खाओगी? तुम बताओ। अरे बता भी दो। नहीं तुम ही बताओ आज। हाँ तो दाल रोटी मंगा लेते हैं। दाल रोटी? अरे वो क्या है ना, आज मेरा व्रत है तो इसीलिए मैं दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं खा सकता। व्रत है? ये कैसा व्रत होता है? अरे मॉडर्न जमाना और मॉडर्न टाइप का व्रत। आजा भाई आजा। और साहब कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी? यार दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है ये सब दिखावा करते करते। तो तू यार उसे सब सही सही बता देना यार, अगर वो मेरी सच्चाई जान गई तो मुझे पक्का छोड़ देगी। देख भाई अगर वो तुझसे प्यार करती होगी तो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर वो तेरे पैसों से प्यार करती होगी तो तू समझ ले वो तेरी कभी थी ही नहीं। आ गया फोन। हाँ बताओ। हाँ कहाँ हो? घर पर हूँ। अच्छा तो तुम ड्रीम वर्ल्ड के पास आओ, मुझे मिलना है तुमसे। तुरंत हो क्या? हाँ यार। क्यों कोई बात है क्या? नहीं यार बस ऐसे ही, बस मन कर रहा है मिलने का। अच्छा
क्या हुआ? यार वो सोनाली मिलने के लिए बुला रही है। भाई चलता हूँ। भाई गाव तेजी चाले चार यारे कबड्डे दावे गाड़ी जुग दीना देख दी रे खड्डे बार बेजी जा हाँ तो चलो आज बताओ कहाँ चलोगी तुम घूमने? जहाँ तुम बताओ। वाह तुमने नया फोन ले लिया। हाँ। चलो सेल्फी लेते हैं। चलो पता नहीं यार ये नाटक मुझे कब तक करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसे सब सही सही बता दूँ। तो बता देना और उसे अगर सच पता चल गया ना तो तुझे पक्का वो छोड़ देगी। भाई तो मैं क्या करूँ फिर? भाई मेरी मान जैसा चल रहा है वैसा चला, जब होगा तब देखा जाएगा। विपिन विपिन ये तो सोनाली की आवाज है। विपिन विपिन यार यार ये यहाँ क्या करने आ रही है और इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अब क्या किया जाए क्या किया जाए। हाँ एक काम कर अपने कपड़े दे मुझे जल्दी जल्दी उतार। भाई गाड़ी तो यही है पर ये कहाँ गया? विपिन भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे खेतों में आए। क्या यार तुम भी ना छोटी मोटी बातें करते रहते हो। अरे सोनाली तुम यहाँ और यहाँ क्या करने आई हो तुम? हाँ वो मैं रास्ते से जा रही थी तो तुम्हारी गाड़ी मुझे दिखी इसलिए रुक गई। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन खेतों में? वो ये मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत गरीब है बेचारा, तो मैं इसी से मिलने आया था। अच्छा तो अब चलते हैं चलो हम लोग। हाँ। बताओ। जानू नहीं पहले तुम मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जानना है। जानना है? क्या जानना है तुमको? और तुम इतने गुस्से में काहे बात कर रही हो? अच्छा तुम तो जानबूझकर अनजान बन रहे हो। जानबूझकर अनजान तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे घर आओ सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
अच्छा ठीक है हाँ हम आते हैं घर। चलो बताओ क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा आ रही थी? चलो बताओ क्या है ये सब। क्यों नहीं है ना जवाब? तुम ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के महंगी महंगी गाड़ियां लेकर बस दिखावा कर रहे थे, मुझे फंसाने के लिए अमीरी का नाटक कर रहे थे। और मेरे पापा को देखो, उनके पास चार चार गाड़ियां हैं, खुद के बंगले हैं, पता नहीं कितनी जमीन है। और तुम्हारे पास असल में तो तुम्हारी औकात ये भी नहीं है। बस करो मैडम जी, बहुत बोले जा रहे हो तब से, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी अमीरी पर। एक बार अपने बाप से पूछो कि उनके पास जो कुछ भी है वो सब किसका है। पूछो। पापा ये क्या कह रहे हैं? और जो ये कह रहे हैं वो सच है? बेटा वो 20 साल पहले। अपनी पूरी प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। कर रहे हो साइन कि मार दूं इसे? कर रहा हूं सर, कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो अपनी प्रॉपर्टी पूरी वापस ले सकता हूं, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों को अमीरी की लत लग चुकी है और तुम लोग एक गरीब की हालत कभी नहीं समझ पाओगे।